रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलटा, 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर का आदेश। दूसरी बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस पर राहुल गांधी का ट्वीट, न्याय की हत्या की प्रवृत्ति खतरनाक, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बता दिया अपराधियों का संरक्षक कौन है। तीसरी बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस को लेकर सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, कहा कम से कम ये फैसला न्याय की कुछ उम्मीद जगाता है। ये गुजरात सरकार ही थी जिसने दस्तावेज स्वीकार किए थे, कोर्ट ने इसे फर्जी माना है। चौथी बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस को लेकर प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो को बधाई दी, एक्स पोस्ट पर लिखा अंततः न्याय की जीत हुई है, इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा पर्दा हट गया है, इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा। पांचवी बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मंथन, आपने कहा दिल्ली और पंजाब के अलावा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो, एक बार फिर से दोनों के बीच होगा मंथन। छठी बड़ी खबर, सीट बंटवारे पर हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन का अहम हिस्सा, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, कुछ दिनों में फिर बैठक करेंगे। सातवीं बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा जेडीयू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, नीतीश इसके निर्माता है, जो पद संयोजक से बड़ा है, बीजेपी की बढ़ी हुई तैयारियां हमें चिंतित करती है, इंडिया के संगठनात्मक ढांचे पर हम चिंतित, हम चाहते हैं सारी चीजें जल्दी दुरुस्त हों। आज की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के आप नेताओं ने नॉमिनेशन किया, स्वाति मालीवाल और संजय सिंह का राज्यसभा के लिए नामांकन, एनडी गुप्ता ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान मालदीव्स के मंत्रियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई, दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजनयिक तलब किए गए, आज सुबह विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के राजनयिक। दसवीं बड़ी खबर, मोदी पर टिप्पणी से नाराज कई बुकिंग एजेंसियां, भारतीयों ने मालदीव जाने वाली बुकिंग कैंसिल की, इजी माई ट्रिप ने बंद की मालदीव्स की बुकिंग, कंपनी के मालिक ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। 11वीं बड़ी खबर, आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की, वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। 12वीं बड़ी खबर, आज से 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 22 साल बाद भारतीय रक्षा मंत्री का ब्रिटेन का दौरा होगा, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और डिफेंस टेक्नोलॉजी की साझेदारी पर चर्चा, ऋषि सुनक से भी मुलाकात कर सकते हैं राजनाथ सिंह। तेरहवीं बड़ी खबर, बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही है, रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत ली है, इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चौथी बड़ी खबर, भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत की तारीफ की, कहा भारत और बांग्लादेश बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत ने 1971 से 75 में हमारा समर्थन किया, भारत के साथ हमारे अद्भुत रिश्ते। पंद्रहवीं बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बात की, पीएम मोदी ने शेख हसीना को बधाई दी, पीएम मोदी बोले बांग्लादेश के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। सोलहवीं बड़ी खबर, मायावती ने यूपी सरकार से सुरक्षा मांगी, कहा दफ्तर पर अनहोनी की आशंका, अराजक तत्व पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी।
17वीं बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बीच जुबानी जंग और तेज हुई। मायावती पर अखिलेश यादव का एक बार फिर पलटवार। अखिलेश यादव बोले, कुछ लोगों के ट्वीट हम नहीं पढ़ते। मायावती ने बसपा दफ्तर के सामने बने पुल को खतरा बताया था। 18वीं बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में अयोध्या जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। प्राण प्रतिष्ठा के पहले मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। 19वीं बड़ी खबर, दुनिया देखेगी राम मंदिर की झलक, अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण। ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी देश विदेश के सभी राम भक्तों को संबोधित करेंगे।